असल नाजरीन मैं हूं आपकी मेज़बान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी एक सफर। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं शुएब शकील साहब जो कि एक एजुकेशनलिस्ट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध एजुकेशनल फोरम के तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ असल साहब कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह शुअब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आपकी आपने अपने बुलाया शेख साहब अपने सवाल की विदा मैं यहाँ से करना चाहूँगी कि हमारे जो मुल्क का निज़ाम है या हमारी ज़िंदगी का निज़ाम भी कह लें कि वो हम ही बनाते हैं तो मतलब इस मुल्क में एक अच्छा शहरी होने के लिए और इस मुल्क के निज़ाम को अच्छा बनाने के लिए मतलब हमारा क्या किरदार होना चाहिए देखिए अगर आप बिल्कुल शुरू से देख देखते जाए आज तो हम तरक्की तरक्याफ्तर दौर में रहते हैं लेकिन जब हम बहुत ही अगर कदीम जमाने में चले जाए तब भी इंसान किसी न किसी निज़ाम के तहत ही जो है वो अपना जिंदगी गुजारता था ठीक है ना बिल्कुल और मौजूद देखिये निज़ाम हमेशा बनता है आपकी जरूरियात को देख कर आप मौजूदा दौर में हैं अब आप देखें आपकी जरूरियात क्या है तो जरूरियात को देख कर हमेशा जो है इंसान अपनी जरूरियात को आसानी से पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाता है अच्छा अब इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसे लोग हों बशर लोग हों एक थिंक टैंक मौजूद हो और एजुकेटेड लोग हों और वो बैठकर जो है ना आपका एक निज़ाम बनाए देखिए मुल्क का निज़ाम हमारे मुल्क में तकरीबन 26 करोड़ की आबादी है चार पांच सूबे हैं मुख्तल तबके से ताल्लुक रखने वाले हुँ। लोग हैं घर तो की जरूरत जिंदगी भी मुख्तलिफ है ठीक है कुछ की लाइफ स्टाइल बड़ी लग्जरी है किसी की नहीं है तो आपने ऐसा निज़ाम वाजा करना होता है जिसमें ये तमाम के तमाम लोग जो है बासानी अपनी जिंदगी गुजार सकें तो ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ जिस खत्ते में रह रहे हैं और आप जिस रियासत में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि फिर आपको किस तरीके से निज़ाम बनाना चाहिए लेकिन एक बात तो बिल्कुल कॉमन है आपके पास बहुत बेहतरीन थिंक टैंक होनी चाहिए बाशूर लोग होने चाहिए होने चाहिए ताकि वो आने वाले वक्तों को देख कर अपने निज़ाम को वाजा करें और ये फ्लैक्सिबल भी होना चाहिए तो यहाँ पे कॉपरेशन किसका ज्यादा होना चाहिए देखिए कॉपरेशन निज़ाम हमेशा रियासत बनाती है लोग नहीं बनाते हैं देखिये आप अपने घर का निज़ाम बना सकते हैं ठीक है आप सब सुबह आठ बजे उठकर जो है ना पर आ उठ कर आप अपना सिस्टम बना रहे लेकिन मुल्क का निज़ाम आपने नहीं बनाना हाँ। मुल्क का निजाम बनाना है रियासत ने हुकूमत ने हुकूमत में ऐसे लोग बालात लोग शामिल हों हु जो मुल्क को मौजूदा दौर और जो अभी तरक्या तरक्याफ्ता मालिक हैं और जो आने वाले वक्त की जरूरत है उसके मुताबिक अपनी सिस्टम को जो है वो बनाए तो ये बहुत जरूरी है जब तक हम इसको पूरा नहीं करेंगे हम आगे नहीं चल सकेंगे है। हर एक चीज हमारी अपनी खुद की वजूद देखें हम क्या है मुख्तलि निज़ामों का एक मजमु है हमारे अंदर विजन का एक सिस्टम है ना इको का एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है, है पलमुनरी सिस्टम है तो हम खुद क्या है निज़ाम का मजमु है अल्लाह तबारक ने पूरे कायनात को बनाया एक निज़ाम के तहत बनाया तो हर एक चीज एक निज़ाम के तहत चलता है तो हम जाहिर सी बात है जब हम मुल्क चलाएंगे तो इसको भी बगैर निजाम के तो चला नहीं सकते हैं और मेरे ख्याल से निजाम के बगैर जो है कोई भी काम मतलब तरतीब से तो नहीं होगा का और काम खराब हो जाता है रिजल्ट नहीं हासिल कर सकता हाँ। जो डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा वो हम इसको अचीव नहीं कर सकते तो निज़ाम बहुत बेहतरीन सोच तो समझ के बनाया जाता है और देखिये मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वक्त के लिहाज से जरूरत के लिहाज से आप उसमें थोड़ी बहुत तरमीम भी कर सकें तो आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू मतलब किसको मैसेज देना चाहेंगे किसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी मुल्क की निज़ाम के लिए हुकूमत पर आ, जो है पूरी की पूरी जिम्मेदारी है ठीक है बाकी आपकी पर्सनल लाइफ जो आपकी घर है तो उसमें वो घर का सरबरा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है असल में अगर दोनों को मिला लें तो बात आ जाती है सरबरा की हाँ। अगर फैमिली में तो फैमिली का सरबरा है टाउन है तो टाउन का सरबरा है मुल्क है तो मुल्क का सरबरा है कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेइजेस का सरबरा जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का निज़ाम को वाजा करता है अच्छा बात अगर घर की तरफ आती है मतलब अगर फैमिली के निजाम को देखते हैं तो कुछ लोग ये जैसे आपने भी कहा कि घर का सरबरा होता है तो कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि घर का सरबरा एक मर्द नहीं होता एक औरत होती है क्योंकि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नहीं संभाल पाते इन मामला को या जो भी फैसला लेना हो कुछ भी हो तो वहाँ पर एक औरत अपना मतलब किरदार अदा करती है हाँ, तो एक औरत को निज़ाम अच्छा बनाने के लिए क्या होना जरूरी है देखिए सबसे पहली बात आपको बाशर होना पड़ेगा बाशर आप कब होते हैं जब आप तालीम याफ्ता होते हैं बिल्कुल अच्छा अब ना हमने एक बात को समझना है हम हमेशा बात करते हैं कि जी हमें बाशर बनने की जरूरत है शौर की जरूरत है माशरे को शौर की जरुरत है शौर को आप बहुत छोटे से वन लाइन सिंगल लाइन डेफिनेशन में समझे शऊर का मतलब होता है सही और गलत में फर्क अगर आपको सही और गलत में फर्क पता है तो इसका मतलब आप है आप बाशा हैं ठीक है बाकी चीजें डिपेंड करती है आपके नॉलेज पर आपके विस्टम पर तो अगर किसी घर पर कोई खातून मौजूद हैं और उनकी जिम्मेदारी है घर को पूरा लुक ऑफ्टर करना तो जाहिर सी बात है अगर उसके अंदर ये समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है तो वो अपने घर का निज़ाम बहुत अच्छा बना सकती है और चाहिए भी ऐसे ही वो ऐसा ही करें हाँ अगर कोई मर्द है और वो देख रहा है कि औरत उसको सही मैनेज नहीं कर पा रही है तो वो उसको गाइडलाइन कर दे वो उसको बता दे कि देखें ये सिस्टम ना आप इस तरीके से ना चलाएं बल्कि ऐसे चलाएं शेर साहब मुझे ये बताइए कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आ, मतलब औरत जो होती है वो अनएजुकेटेड होती है मतलब पढ़ी लिखी फैमिली से नहीं आती है तो वहाँ पर वो निज़ाम को नहीं संभाल पाती है तो फिर जाहिर सी बात है मर्द अगर डिपेंडेंट औरत के ऊपर तो वहाँ पे दोनों ही एक जैसे हैं तो फिर वहाँ पे मामला किस तरह हैंडल किए जाएं शादीशुदा जिंदगी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है जब तक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मामला आगे नहीं बढ़ते हैं। बिल्कुल अच्छा अब या तो फिर किसी एक ने सेक्रीफाइस करना है हस्बैंड ने सेक्रीफाइस करना है या खातून खाना ने सेक्रीफाइस करना है अब जैसा कि आप कह रही थी कि, कि कोई फैमिली ऐसी है जिसमें कोई खातून खाना है अब वो अनएजुकेटेड है मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था कि देखें शऊर का मतलब है सही और गलत में फर्क करना अच्छा जरूरी नहीं कि आपने तालीम हासिल नहीं किया तो आप सही और गलत में फर्क भी नहीं कर सकते अल्लाह ने आपको अकले सलीमता फरमाया है और आपको ठीक है तो आपको जस्ट यही तो आपने करना है कि सही क्या है और गलत क्या है ठीक है अगर कोई स्कूल नहीं गया कोई कॉलेज नहीं गया कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया कोई एजुकेटेड है लेकिन उसको पता तो है ना कि अपने बच्चों को पालना कैसे उसको पता तो है ना कि तीन जल्दी सुलाना है, है।, तो है।, तो है उसको तो है सही समझ की जरूरत है इसी को हम सिर्फ शुरू कहते हैं यानी अच्छा देखिये शादी वैसी तो नहीं हो गई होगी ना वो उनके मायके में भी उन्होंने अपना वक्त गुजारा होगा ना शादी से बात है बीस बाईस साल की उम्र में शादी हो रहा है तो ये बीस बाईस साल जो उसने गुजारे अपने मायके में तो उसने वैसे ही मतलब बैठे बैठे तो नहीं गुजारा घर के भी तो काम किए माँ बाप ने भी सिखाया उसको बताया ना सारी चीज़ें करना तो वो उसी लिहाज से आगे वो चलती हैं लेकिन अगर किसी घर का निज़ाम किसी दूसरे घर के निजाम से मुख्तफ है तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा और ये दूसरों को भी देना चाहिए ये वक्त क्योंकि एक खातून जब एक लड़की दूसरे घर से आती है और एक नए माहौल में एडजस्ट होती है तो उसको एडजस्ट करने में उसका साथ भी देना चाहिए और उसको थोड़ा वक्त भी देना चाहिए शेफ साहब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे में औरत को कितनी आजादी हासिल है देखिए हम जिस माशरे में रह रहे हैं आ, इस्लामी जमरिया पाकिस्तान हमारे यहाँ हम औरतों को देखिए हमने पाबंदी क्या लगाई है क्या हमने ये पाबंदी लगाई है कि औरत मार्केट नहीं जा सकती क्या हमने ये पाबंदी लगाई है कि जी आप तालीम हासिल नहीं कर सकते क्या हमने ये पाबंदी लगाई कि आप पार्क नहीं जा सकते हमने इस तरह की कोई पाबंदी तो नहीं लगाई ना हाँ। आप तालीम हासिल कर सकते हैं आप स्कूल जाए कॉलेज जाए यूनिवर्सिटीज जाएं आप जॉब भी कर सकते हैं कोई पाबंदी नहीं आप पार्क में जाएं आप सी साइड जाए घूमें फिरें आप मार्केट्स में जाएं तो कोई पाबंदी तो नहीं है आपके पास तो हकूक तो आपको पूरे मैसर है हाँ अब देखिए बतौर मुसलमान अल्लाह तबारक ने इस्लाम ने आपको कुछ हदूद और कुछ कैूद मुकर किए हैं ठीक है जी <ंगे> तो हमने उसका ख्याल तो रखना है ना जी हम अगर उसको अगर हम किसी माशरे में रहते हैं और उस माशरे के अपने कुछ हदूद और कयूद हैं अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो माशरा आपको रोकेगा ठीक है जिस माशरे में रहते हैं उसके हदूद और कयूद के अंदर रहना जरूरी है चाहे दुनिया के किसी भी माशरे के अंदर रह रहे हो तो उसके हद कूद के अंदर रहना पड़ेगा आपको अगर आप उस माशरे के हद और कूद से बाहर निकलेंगे तो वो माशरा आपके ऊपर आवाज उठाएगा और आपको रोकेगा तो इस बात को समझना जरूरी है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं हम एक इस्लामी इस्लामिक सिस्टम में रह रहे हैं इस्लाम ने आपको जितना इजाजत दिया है आईने पाकिस्तान ने आपको जितना इजाजत दिया है आप उसके अंदर तो रह सकते हैं आप उसके अंदर रहकर पूरी आजादी के साथ अपने सारे काम कर सकते हैं लेकिन अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो फिर आइन भी आपको रोकेगी कानून भी आपको रोकेगा भी आपको रोकेगा तो आपको क्या लगता है कि इस चीज को लोग कितना फॉलो करते हैं हमारे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अक्सर औरतों के हकूक को लेकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जब औरत ये कहती है कि जी हमारे हकूक जो है वो अदा नहीं किए जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि जी आ, सिर्फ औरत ये कहती है कि जी हम हिजाब नहीं करेंगे जी हम नहीं लगाएंगे और हम आजादाना तौर पर जो है वो जीन्स पैंट और शर्ट पहनकर घूमेंगे तो मुझे बताइएगा क्या सिर्फ औरत के ये हकूक हैं और कुछ नहीं हाँ, है और बहुत सारे है ना तो फिर फोकस सारा यहाँ क्यों आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी ये है कि आप अपने घर को देखें एक औरत सबसे पहले अपने घर के जो फराइज हैं उसको निभा दे फिर उसके बाद वो अपने हकूक की तरफ आए अगर आप अपने फराइज को ना निभाएं और कहें कि जी मेरे हकूक अदा करें तो क्या ये जस्टिस है बिल्कुल ये भी तो इंसाफ नहीं है ना तो पहले आपने ये देखना है कि आपके अपने फराइज क्या हैं फिर आप मुतालबा करें अपने हकूक के और अगर आपको आपके जायज हकूक ना मिले तो फिर उसके लिए आप आवाज उठाएं तो ऐसे कौन से हकूक है जिनके लिए औरत लड़ रही है अब तक अब तक पूरे नहीं उसके देखिए मौजूदा दौर में ये दुनिया जो है ना ग्लोब है हाँ। ग्लोब होगी ना ग्लोबलाइजेशन का हाँ। दौर है इंटरनेट का दौर है एक मेलबर्न में बैठा हुआ शख्स आपके पास सिर्फ एक स्विच की दूरी पर है हाँ। तो जब हम उन को देखते हैं औरतों को कि वो किस तरीके से जो है वो आजादाना तौर पर जिंदगी गुजार रही हैं तो हम ये चाहते हैं कि जी हम भी वैसी जिंदगी गुजार लें और इसके लिए वो मौजूदा माशरे में जो है वो डिमांड कर रही होती कि जी आप हमें भी इसी तरीके से आजादी के साथ घूमने दें और इसी तरीके से हम जो है जीन्स पहनकर घूम रहे हो टी शर्ट पहनकर घूम रहे हो और हमें सारी चीजों की आजादी हासिल हो आ, अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे के हमेशा हदूद और कईदे अगर आप उसके अंदर रहकर जो है वो काम करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आपको आइन कानून भी रोकेगी माशरा भी रोकेगा आप इसको रिवर्स करके सोच लें किसी मगरबी ममालिकोसाइटी के अंदर किसी सोसाइटी के अंदर आप जाए वहां और कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जो वहां पर मुमानियत है क्या वो आपको रोकेंगे रोकेंगे ना जी वहाँ की कानून भी आपको रोकेगी वहाँ सोसाइटी भी आपको रोकेगी तो वहाँ आपको वहाँ फिर आप ये आवाज़ नहीं उठाएंगे कि जी आप हमारे हकूक़ को नहीं दे रहे हैं लेकिन जो यहाँ पे बात फिर भी आ जाती है ना कि सरबराह जो होता है मतलब बड़ा होता है चाहे वो हुकूमती निज़ाम में हो या वो घर में हो वही अगर सही नहीं तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेगी बात देखिए सरबराह जो है वो मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम वाजा करता है सिस्टम बनाता है ठीक है और उसके लिए मैंने आपको बताया कि जब आप देखें जब किसी मुल्क का सिस्टम बन रहा होता है तो कोई एक शख्स तो नहीं बनाता माहरीन बैठे होते हैं ज़िंदगी के तमाम शुबों से रिलेटेड माहरी बैठे हुए होते हैं वो अपनी तजावीज़ पेश करते हैं उन तजावीज़ का मजमू जो है हमारे यहाँ सिस्टम होता है तो इसको बहुत वाइडली देखा जाता है अच्छा लेकिन इसमें फिर भी ये होता है कि आप इसको जितना भी वाइडली देख लें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रह जाती है जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि जी इसको थोड़ा सा इसमें इलास्ट्रिसिटी होनी चाहिए लचक होनी चाहिए ताकि वक्त की ज़रूरत के साथ फिर हम उसको तब्दील

माँ बेटे का रिश्ता हो या बाप बेटी का रिश्ता हो बहन भाइयों का रिश्ता मतलब बहुत ज्यादा नातफाकी है रिश्तों में अ, अच्छा मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ ना कि तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी है अदब बहुत जरूरी है तो देखिए अगर जब मैं अपने माँ बाप की अदब नहीं करूँगा तो क्या मेरा बेटा मेरा अदब करेगा बिल्कुल नहीं करेगा ना तो जब मैं अपने माँ बाप की अदब नहीं कर रहा हूँ तो मैं ये कैसे डिमांड करूँ अपने औलाद से कि वो मेरी अदब करे और जब हम अपने माँ बाप के अदब नहीं करेंगे मेरी औलाद मेरी अदब नहीं करेगा तो जाहिर सी बात दूरिया तो बनेंगी ना ठीक है एजुकेशन हासिल करना ठीक है नॉलेज हासिल करना ठीक है लेकिन साथ में अदब बहुत जरूरी है शैतान जो है वो जन्नत से निकाला गया क्यों निकाला गया जी नॉलेज उसके पास भी बहुत ज्यादा था फरिशों का फरिश्तों का मुदरस था लेकिन क्यों निकाला गया जी बेअदबी की वजह से नाफरमानी की वजह से तो जब आप बेअदब होंगे तो ये मसाइल जन्म लेंगे बा अदब होंगे ये मसाइल जन्म नहीं लेंगे बल्कि इसके सोल्यूशन मिलेगी आपको तो हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बादब हो अभी जो हमारा नौजवान तबका है ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बा अदब हो अगर बा अदब नहीं होगा हम देखें हम एजुकेशन के तो पीछे भाग रहे हैं हर कोई एजुकेशन की बात कर रहा है लेकिन क्या कोई अदब की बात कर रहे हैं कि नहीं हमारे जो मौशरा है उसको बादब भी होना चाहिए नौजवान तबके को बाब भी होना चाहिए यह चीज़ बहुत जरूरी है हमारे माशरे के लिए हर घर में हर फैमिली के अंदर ये जरूरी है देखिए माशरा क्या होता है अफराद का मजमु होता है ठीक है ना जब अफराद के अंदर अदब होगी तो मजमू तौर पर माशरा बा अदब होगा लेकिन अगर अफराद के अंदर अदब नहीं हुई तो वो माशरा भी बेअदब हो जाएगा और वही बिगाड़ का का यहीं से कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक टाइम हो गया नाजिन ब्रेक का टाइम हो गया मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजिन तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जी शुएब साहब क्या कह रहे थे जी, मैं यही कह रहा था कि आर अफराद का मजमु है जब आप इनफरादी तौर पर एक हर एक शख्स बादब होगा तो मुआरा भी मजमू तौर पर बादब हो जाएगा अब देखिए इन्हीं अफराद से मिलकर फैमिलीज़ बनती हैं और उन्हीं फैमिली से मिलकर ये सोसाइटीज़ बनती और हमारा मुआरा वजूद में आता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बादब हों बेअदब भी जो है वो मुआरे में बिगाड़ का सबब बनती है तो हमें एजुकेशन के साथ साथ अदब की बहुत ज़रूरत है तो अगर अदब हम जो है वो कामयाब हो जाते हैं अपने लोगों में पैदा करने में तो यकीनी तौर तो पर हम इन मसाइल से आसानी से जो है छुटकारा हासिल कर सकेंगे कुछ घरानों में ऐसा होता है कि वहाँ पे ये बोला जाता है कि मतलब बच्चे हैं वो कहना नहीं सुनते यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं बहुत ज़्यादा नोट करती हूँ आज के ज़माने में कि पहले के जो बुज़ुर्ग थे वो बुज़ुर्ग कहलाते थे लेकिन आजकल के बुज़ुर्गों में वो बात नहीं है तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए पहले के बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग क्यों कहलाते थे उनके अंदर अदब थी ठीक है हालांकि पहले के लोगों में मतलब आज के माशरे में आज के माशरे में बच्चा बाप और दादा दादी माँ बहन सब एक साथ बैठकर ड्रामे भी देख रहे हैं और उस ड्रामे के अंदर जो तबाहकारियाँ हो रही हैं ना वो सब देख रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे होते हैं बिल्कुल सही है अच्छा तो अब एक बात बताएं कैसे रिस्पेक्ट करेंगे वो एक दूसरे के तो जब वो रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगा हाँ। तो बिगाड़ तो पैदा होगा ना जी तो ये बहुत जरूरी है मतलब ये बहुत गहरी बात है इसको समझने की जरूरत है हाँ। ठीक है अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ऐसी होनी चाहिए फिर क्योंकि अब बाज़ात बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ना हम इग्नोर कर देते हैं जिससे कोई बड़ा बिगाड़ पैदा होता है और हमने इस चीज़ को इग्नोर किया है माजी में हम सिर्फ तालीम के तरफ आए और तरबियत के तरफ या अदब की तरफ नहीं आए और ये हमने मिस किया था जो आज हमारे माशरे में तबाही और बर्बादी का सबब बनी हुई है तो आज भी हम जो है वो सिर्फ तालीम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तरबियत के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे अदब के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो आज से हमें यह काम करना पड़ेगा मुझे आपको कि यह आवाज़ें उठानी पड़ेंगी हमें अपने नौजवान नस्ल को यह बात समझानी पड़ेगी हमें स्कूल्स के अंदर कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बात समझानी पड़ेगी कि बेटा आप जितने भी क्वालिफाइड हो जाए आप जितने भी एजुकेटेड हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अदब नहीं होते हैं अगर आप अपने वालदे की अदब मतलब नहीं करते में तरबियत की भी क्लास होनी चाहिए एग्जैक्टली होनी चाहिए एग्जैक्टली होनी चाहिए एक बात बताएं सबसे पहले स्कूलिंग जो होती है किसी बच्चे की स्कूलिंग शुरू होती है उसके माँ से बिल्कुल ठीक है एक तीन साल का बच्चा चार साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता लेकिन उसकी पूरी तरबियत कहाँ हो रही होती है उसकी माँ उसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी है तो वो उसको सब कुछ सिखा रही होती है उसकी तर, तालीम भी उसको दे रही होती है उसको तरबियत भी दिखा बता रही होती है उसको सही भी बता रही होती है ना मतलब मेहमान आते हैं बेटा मेहमान जब आते हैं तो आपने सलाम करना है आपने हाथ मिलाना है ठीक है वो नाश्ता लगा हुआ मेज पे आपने उठा कर नहीं खा लेना कहती ना हमारी माया हमसे कहती थी, थी ना तो ये क्या था जी तरबियत थी हमारी ठीक है ना तो ये तरबियत करना पड़ता है ना आप तरबियत करते हैं अब स्कूल में आप हो क्या क्या सारी चीजें असल में हो गई हैं कमर्शलाइज हमारे देखिए ज्यादातर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स आ गए गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ पर बस नाम के रह गए गिने चुने रह गए अच्छा अब प्राइवेट स्कूल्स का जो है बेसिक मकसद जो है वो अर्निंग है हाँ, सही है ना वो ही? आपको दस दस किताबें लगा देंगे और उसका बर्डन जो है बच्चों पर आ जाएगा और वही टारगेट होगी आपका सेलेबी आपका टारगेट होगा आपने सेलेबस कंप्लीट कराना है बच्चों को याद कराना है पेपर लेना है एंड आपने पेरेंट्स को यही शो करना है तो अच्छा इन सारी चीज़ों में ना तरबियत गुम हो जाती है हाँ

इनिशियली जब बच्चा मतलब प्री प्राइमरी के लेवल में होता है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बस उनको बस एक ही दिन में जो है वो कायदे अजम या लाम अकबाल बना दें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग टीचर और पेरेंट्स के दरमियान होती है देखें मैं ये समझता हूँ ना जब एक बच्चा तालीम हासिल करता है ना तो एक ट्राई का बनता है ट्राई का कैसे बनता है पेरेंट्स स्टूडेंट टीचर अब एक बच्चे पर एक टीचर भी मेहनत करता है साथ में उसके वालदेन भी मेहनत करते हैं फिर जाके वो बच्चा जो है वो सक्सेसफुल होता है अगर जी टीचर मेहनत कर ले पेरेंट्स मेहनत ना करें बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा पेरेंट्स तो एफर्ट कर रहे हैं टीचर उसको वैसा नहीं मिला जब भी बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा नहीं। तो ये ट्राइका बनता है एक टीचर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स तो एक बच्चे पर आ, टीचर के भी एफर्ट्स हैं और पेरेंट्स के भी एफर्ट्स लाजमी होने अब देखिए अब टीचर सिर्फ अगर ये बताए ना कि जी आप जो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं और आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये पेश कर दिया लेकिन उसकी तरबियत नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चा माशरे में कैसे दूसरों की अदब करेगा बिल्कुल उसको बताना पड़ेगा और आजकल तो ये माहौल है कि बच्चा या बड़ा हो तो वो सलाम तक करना पसंद नहीं करते एग्जैक्टली exactly. अब वो देखें हमारे, मे, मेरा और आपका जो कल्चर है वो क्या है जब हम किसी से भी मिलते हैं तो क्या करते हैं जी असलाबरक ऐसा ही है जी और है? इसके अभी आप मिले है? अभी आप मिले किसी से हर यू बिल्कु, ठीक है तो हम सिखा ये रहे ये हमारा कल्चर नहीं है हमारा कल्चर ये कि जब मैं और आप एक दूसरे से मिलते हैं तो हम उसको सलाम कहते हैं असलाम वरम्तल व दूसरा शख्स आपको जवाब देता है वालेकूम वरहरक ना कि हम ये कहते हैं हाय हेलो दिस इज नॉट आवर कल्चर ना ये हमारा कल्चर नहीं लेकिन हम सिखा ये रहे तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं और जब आप पढ़ाएंगे उस सोसाइटी के अपोजिट तो बताएं डेवलपमेंट होगी या बिगाड़ पैदा होगा लेकिन अगर एजुकेशनल माहौल से हटके अगर किसी जॉब या किसी भी जगह पे चले जाते हैं तो वहां पर तो इंग्लिश को सर पे बिठाया हुआ है उसके बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता है आप इंग्लिश में गुफ्तु करें ना जी इंग्लिश में गुफ्तु करने से मना नहीं किया है ना हाँ। ये तो एक लैंग्वेज है ना ठीक लेकिन अपने कल्चर को प्रमोट भी करना चाहिए अपने कल्चर को प्रमोट करें आप आप बेशक इंग्लिश में बात करें लेकिन आप अपने कल्चर से दूर तो ना रहे हाँ। आप जो हमारे रवायात हैं उससे दूर तो ना जाएं बिल्कुल ये क्या वेस्टर्न कंट्रीज अपने कल्चर से हट रही है नहीं हट रही ना वो अपने कल्चर पर कायम है हम अपने कल्चर से शिफ्ट हो रहे हैं उनके कल्चर पर बिल्कुल अगर स्कूलों में हाँ। या कॉलेज में देखा जाए तो कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश जरूर होती है किसी भी तकरीबन स्कूलों के जितने भी एनुअल प्रोग्राम्स हैं हाँ। आप देखिए उसमें लाजमी डांस शामिल होता है हाँ। छोटी बच्चियां बड़ी बच्चियां डांस कर रही होती हैं वो भी इंडियन गानों पे सही हाँ। है जी तो हम क्या चीज फरोग दे रहे हैं तो हमें हर एक जगह देखना पड़ेगा इसको कि हम कहां कहां मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर जाकर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर अच्छा ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है हाँ। जितना बिगाड़ पैदा हो चुका है ऐसा नहीं कि हम दो चार दिनों में महीने में इसको जो है हम सेट कर लें हाँ। एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा फिर जाकर एक अरसे के बाद इसका रिजल्ट हासिल होगा पहले के ज़माने के लोगों में ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगती थी शायद मुझे अपना भी उसे टाइम याद है तो एक रूटीन बनता था कि मॉर्निंग में इस तरह से करना है बल्कि हम लोग को डेली रूटीन बताया जाता था और मुझे अब तक याद है कि अगर आठ बजे कोई ड्रामा हमने देखा है एक तो ठीक नौ बजे वो बस न्यूज सुन न्यूज सुनने का टाइम हो जाता था तो ये एक अच्छी चीज़ थी अब ये चीज़ बहुत पीछे चली गई है अच्छा जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की है ना इंसान की मसरूफियात भी बढ़ गई है और मुख्तलिफ हो गई है देखिए मैं और आप जब बचपन में थे ना हम आठ से नौ पी टी वी पर ड्रामा देखा करते थे बिल्कुल नौ बजे खबरनामा शुरू हो जाया करता था आज आपके पास सैकड़ों की तादाद में चैनल्स मौजूद हैं हाँ। बच्चा सुबह उठता है ना अच्छा उसके पास या तो टीवी में कार्टून्स हैं या फिर उसके पास मोबाइल में कार्टून्स हैं बिल्कुल। मेरा बेटा है छोटा वो सुबह उठते साथ वो क्या करता है मोबाइल में चला जाता है हाँ। हाँ। वो यूट्यूब में उसे पता है कि जी लाइब्रेरी कहाँ पर है और वो कहाँ पर कार्टून्स हैं वो बेटी है मेरी तीन साल की अभी तीन साल की नहीं है लेकिन उसको सारी बातें मालूम है तो ये जो फैसिलिटीज़ है ना ये भी बिगाड़ का सबब बन रही है अब इसमें एक मसला ये है कि बच्चे जाहिर सी बात है ज़िद्दी तो होते हैं माँ बाप उसको जितना भी मना कर ले लेकिन वो उसको मानते नहीं है वो करते हैं तो असल में ना उनका माइंड भी डाइवर्ट करना पड़ता है कि हमें उनको डाइवर्ट करना पड़ता है कि बेटे ये नहीं ये कर लें खेलें बैट बॉल खेलें आऊँ बैट बॉल खेलाओ हम झूला झूलें ठीक है आओ हम थोड़ा सा फिर पढ़ लें तो उनको फिर माइंड डाइवर्ट हमें करना पड़ता है जब माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं उसको तो फिर हम उसको इन सारी चीजों से निकाल कर फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ भी लेकर आ जाते हैं और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत जरूरी है ये मोबाइल की वजह से एग्जैक्टली exactly. हाँ। बिल्कुल और ये सोशल मीडिया जो है ना इसने फिजिकल एक्टिविटीज नौजवानों की भी खत्म कर दिए बल्कि मेरे फिजिकल एक्टिविटीज भी इसी के अंदर चली गई सारे इसके अंदर चले गए जब फिजिकल एक्टिविटीज सिर्फ उंगलियों की रह गई है बिल्कुल ऐसे ही शुब साहब आप क्या समझते हैं कि माशरे में मर्द और, और औरत है उन दोनों का आपस में रवैया कैसा होना चाहिए देखें कोऑपरेशन जो है ना मर्द और, और औरत का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है और रवैया तो लाजमी सी बात है बहुत दुरुस्त और बहुत अच्छी होनी चाहिए हाँ। आप मुझसे बहुत अच्छे से बात कर लें लेकिन मेरा रवैया अगर आपके साथ नाजेबा हो गलत हो रूडली हो हाँ। आप एक बार तो मुझसे अच्छे से बात कर लेंगे दूसरे बार बात कर लेंगे तीसरे बार फिर आप मुझसे या तो मुखातिब नहीं रहेंगे या फिर आपका लहजा भी तलख हो जाएगा ऐसा ही है जी तो माशरे के हर फर्द को ये चाहिए कि वह अपना लहजा अपना रवैया दूसरों के साथ अच्छा करे ना सिर्फ ये कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान हो ना सिर्फ ये कि भाई बहन के दरमियान हो ना सिर्फ ये कि वालदेन और औलाद के दरमियान हो माशरे के हर फर्द के दरमियान देखिए देखेंखलाक को इस्लाम ने कितना अहमियत दिया है ठीक है ना तो वो इसीलिए इसलिए कि आपके अंदर अखलाक हो अखलास हो जो कि आपके रवैये में आपकी पर्सनैलिटी में झलकती है और अगर आपकी शख्सियत के अंदर ये इंज़ाब कर जाती है तो आपकी शख्सियत को ये चार चांद लगा देती है आप दो लोगों को सपोज कर लें एक वो जो रूडली बात करता है दूसरा वो जो बहुत अखलाक के साथ आपको बात करता है किसकी पर्सनलिटी आपको आ, attractive लगे वो शख्स देखिए ना मूमेन ऐसा होता है कि माशा इतना बुराई की तरफ चला गया कि अगर कोई मर्द किसी औरत से मतलब किसी से होता है तो वो गलत वे में लेके चली आती है ना हाँ। misunderstanding है, मिस अंडरस्टैंडिंग है मिस अंडरस्टैंडिंग तो अभी हमने शुरू में एक बात करी थी की जी शुरूर का मतलब होता है सही और गलत में फर्क तो देखिये हम बाऊर जब होंगे जब हम सही और गलत में फर्क करेंगे हम एक सही चीज़ को गलत कर लेते हैं एक गलत चीज़ को सही कह देते हैं या समझ लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो रवैयों में झलकता है और फिर वो रवैया जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे पर्सनलिटीज़ को तो ये बहुत ज़रूरी है ना कि आप उसको सही अंडरस्टैंड करें यानी आप बाशर हों अब बाशर तो होना पड़ेगा इसके बगैर तो चांस नहीं है आपके कोई गुजारा ही नहीं है आपको बाशर होना पड़ेगा सिर्फ शुरू में हमने बात की थी कि जी तालीम के साथ साथ शौर बहुत ज़रूरी है असल में तालीम जो है ना आपको सही और गलत के दरमियान डिफरेंस सिखाती है तालीम के जरिए आप जॉब हासिल नहीं करते हैं सही है तालीम आपने हासिल की आपको डिग्री मिल गई एक वो डिग्री ये बताती है कि जी आपने ये इतने तालीम हासिल की है लेकिन असल में जो तालीम है वह आपको सिखा रही है सही और गलत के दरमियान फ़र्क यानी दूसरे लफ्जों में वह के अंदर शौर पैदा कर रही है जी तो उसी शौर के अंदर तो आपने जज करना है ना क्या सही और क्या गलत है आपको अगर कोई गलत नजरों से देख रहा है और आप समझ रहे हैं कि गलत नजरों से देख रहा है तो फिर आप उसको इग्नोर करें बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर कोई आपसे इस तरह से मुखातिब नहीं है या आपको आपसे इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है और आप उसको जज इस तरीके से कर रही हैं तो जाहिर सी बात है आप उस शख्स के साथ भी जाती कर रही हैं शेर साहब आप क्या समझते हैं कि अगर किसी से कोई बात कर दी तो अक्सर लोगों का लहजा बहुत बुलंद और बहुत चीख चिल्ला के बात करते हैं तो आसान बात भी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है तो लहजा कैसा होना चाहिए बहुत प्लाइट बहुत प्लाइट होना चाहिए कुछ लोगों के तो बिल्कुल लहजा प्लाइट होता ही नहीं है हाँ। और वो मतलब एक अच्छी बात भी कर रहे होंगे तो सामने वाले को गलत फील होती है अगर शुरू में उस बंदे की तरबियत हो जाती तो आज वो शख्स इस तरीके से इस लहजे में बात नहीं कर रहा होता अभी हम थोड़ी देर पहले यही बातें कर रहे थे ना कि जी हम एजुकेशन के साथ हमारे स्कूल में तरबियत की बहुत ज़रूरत है तरबियत होनी चाहिए उसमें हमें हर चीज़ को सिखाना पड़ेगा ना जी आपने दूसरों से आ, हम एथिक्स में क्या पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं ना जी आपको दूसरों से मुलाकात कैसे करनी है आपने उनसे गुफ्तगु कैसे करना है देखिए गुफ्तु हमेशा जो है ना धीमे लहजे में होना चाहिए आयस्तगी और शाइतगी ये दोनों चीज़ें आपकी गुफ्तू में अगर मलूज़ खातिर होगी तो आपकी पर्सनलिटी में कुछ चार चांद लग जाएगी और अगर ये दो चीज़ें आपने अपने पर्सनलिटी में शामिल नहीं किया तो जाहिर सी बात है आपकी पर्सनलिटी बहुत बुरी होगी और वो दूसरों को भी बड़ा इरीटेट करेगी तो हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका रवैया ऐसा होता है वो बात ही चीख चेला कर करते हैं अच्छा बास फैमिलीज को मैंने देखा है उनके यहाँ एक ट्रेंड हो गया कि यानी कि जो भी गुफ्तगु करेगा वो चेक पुकार करके करेगा हाँ। ये नॉर्मल सी बात हो गई है वो नॉर्मल टून पे बात ही नहीं कर सकते हैं फिर उनकी आदत भी नहीं रहती है नहीं रहती है वो दूसरों से जिस तरीके जब भी बात करते हैं यानी कि वो उनकी आदत बन गई है हाँ। तो उनको उनको गाइडलाइन की जरूरत है उनको बताने की जरूरत है उनको समझाने की जरूरत है हाँ। कि देखिये आप जब इस तरीके से बात करते हैं तो दूसरा शख्स जो आपसे गुफ्तगु कर रहा होता है वो आपके बारे में क्या परसेप्शन ले रहा होता है बिल्कुल जब हम उनको समझाएंगे तो अगर हम दस लोगों को समझा रहे हैं तो दस में से कम से कम पांच लोग भी अगर समझ जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगा हो सकता है वो पांच आने वाले और पांचों को समझा दे जी बिल्कुल ठीक है आपने शेफ साहब ब्रेक का टाइम हो गया है नाजिर ब्रेक का टाइम हो, हो गया मिलते छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजीन तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ शुएब साहब आपसे मैं सवाल ही करूँगी मुझे ये बताइए कि हमारे माशरे में बाप का भाई का और शोहर का जो है वो औरत पे कितना हक है देखिए हकूक इस्लाम ने मुतिन कर दिया मर्द के हकूक औरत पर औरत के हकूक मर्द पर अब जरा एक बात समझेंगे जो मर्द के हकूक हैं वो औरत के फ़राइज हैं और जो औरत के हकूक़ हैं वो मर्दों के फ़राइज हैं तो हमने सिर्फ़ अपने हकूक की बात नहीं करनी है अपने फ़राइज की भी बात करनी है फर्स्ट सेशन में मैं आपसे ये कह रहा था कि देखें हम सिर्फ हकूक की बात करते हैं फ़राइज की बात नहीं करते हैं ठीक है ना लेकिन हमें पहले बात करनी पड़ेगी अपने फराइज की जब हम अपने फराइज को पूरा कर लेंगे फिर हम आप आवाज़ उठा सकते हैं अपने हकूक के लिए तो जो इस्लाम ने आपको हकूक दिए हैं वालदेन के औलाद पर औलाद के वालद पर मर्द के औरत पर औरत के मर्द पर मियाँ की बीवी पर बीवे की मर्द पर वो मुतन कर दिए गए अब आप उसको तजावस करेंगे तो रिश्ते में बिगाड़ पैदा होगा अगर आप उसके अंदर रहेंगे तो रिश्ता भी बहुत खुशगवार रहेगा तो ये बात बहुत ज़रूरी अच्छा देखें एजुकेशन uh, का मतलब ना सिर्फ हम ये नहीं लेते हैं कि जी uh, हमने जी दुनियावी तालीम हासिल करना है दीनी तालीम हासिल करना भी बहुत जरूरी है ठीक है जब आप दीनी तलीम हासिल करते हैं ना तो आपको ये सेंस होता है आपको ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक ने आपके क्या हकूक मुतन किए हैं और आपके क्या फराइज मुतन किए हैं लेकिन दीनी तालीम को लोगों ने सिर्फ कुरान तक ही जी मतलब बस कुरान पढ़े और कुरान भी जो है अगर किसी के यहाँ कुरान खानी है तो आप चले जाए एक पढ़ लें और देट इज इनफ ऐसा नहीं है कुरान ऐसा ये भी बहुत कम कर दिया है लोगों ने कुरान पढ़ना देखिए हमारे मुशरे में जो बिगाड़ का एक सबब है वो ये भी है कि हम अपने जो उससे दूर हो रहे हैं ठीक है जी अगर हम अपने दीनी तालीम से दूर होंगे तो इस तरीके से बिगाड़ पैदा होगा तो ये जरूरी है हमारे नौजवान जो तबका है उसको दीनी तालीमत दी जाए ताकि उसको पता चले देखिए हम तो क्रिएटर हैं ना क्रिएटर है अल्लाह Uh, मैंने अगर ये मोबाइल बनाया है तो मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा बता सकता हूँ कि इसको आपने ऑपरेट कैसे करना है बिल्कुल ठीक है जी इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताली ने हम सबको तख्लीक किया है तो अल्लाह तबारक ताली ही बता सकता है कि किस मखलूक ने कैसे ऑपरेट करना है और अल्लाह तबारक वाली ने अपनी किताब कुरान शरीफ में सारी बातें बता दी हैं बिल्कुल तो जब तक हम अपना दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे हम इस चीज़ पर ओवरकम नहीं कर सकते तो ये बहुत जरूरी है आ, हर घर पे जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप मदरसा जाएं ये देखिए इस्लामियत की जो क्लास होती है स्कूलों के अंदर इसमें जरूरी है ना कि हम ये बताएं इस्लामियत के अंदर हम लोगों ने अलग अलग जो सेक्शंस बना कर रखे हैं ठीक है जी कुरान मजीद का रखा है और रिसालत का रखा है और अखलाकियात का रखा है ठीक है तो उसके अंदर हमें ये बातें समझानी पड़ेंगी और हकूक़ और फराइज का भी जो है वो पूरा एक पोर्शन होता है तो जब टीचर उसको पढ़ा रहा हो तो वो उसको इतने अच्छे से ब्रीफ करे कि बच्चा उसको अंडरस्टैंड करे और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करे तो फिर वो बच्चा आगे जाकर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो है जब उसको अप्लाई करता है तो वो उसकी आदत बन चुकी होती है और वो घरेलू झगड़े का सबब फिर नहीं बनता वरना फिर वो घरे, घरेलू झगड़े का सबब भी बन जाता है तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि औरत के असल हकूक है क्या जो हमें समझ में नहीं आ रहे या को समझ में नहीं आ रहे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस्लाम ने जो हकूक मुतयन कर दिया वही आपके हकूक हैं वही औरत के हकूक हैं और जो मर्दों के हकूक मुतयन कर दिए वही मर्दों के हकूक हैं देखिए इस्लाम अल्लाह ने औरत को सरफ नाजुक बनाया बिल्कुल उसको आप ये नहीं बोल सकते आप जाए और बाहर जाकर खड्ढा करें उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो ऐसी नहीं है कि फिर वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर सके बिल्कुल देखिए आपके हकूक तालीम के हैं वो आपको मिल रहे हैं आपके हकूक सेहत के हैं वो आपको मिल रहे हैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है आप बोलते हैं आपको घर में कोई नहीं रोकता आप जो खाएं जो पकाएं कोई मुमानियत नहीं होती कोई मना नहीं कर रहा होता है आप पार्कों में जाएं जी आप घूमें आपको कोई मना नहीं कर रहा होता अच्छा इसी तरीके से अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो भी आपको कोई नहीं रोकता आप जाएं जॉब करें ठीक है कोई रोकता नहीं है तो सारे हकूक तो मयसर हैं सवाल यह है कि हमें सबसे पहले जब जो लोग औरत जो लोग भी बात करते हैं कि जी वुमेंस राइट की तो पहले आप उनसे सवाल करें कि जी आप किस किस्म के हकूक चाहते हैं और आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे हकूक हैं जिसको सल्प कर दिया गया है और आपको नहीं मैसर है वो हकूक तो फिर उस पर बात की जाए पहले तो ये देखें ना कौन से हकूक हैं जो ना मिल रहे हैं आपको फिर बा, उसकी बात करें ना कि जी ये हकूक नहीं मिल रहे हैं जो आयन पाकिस्तान ने आपको हकूक़ दिए हैं और जो इस्लाम ने आपको हकूक़ दिए हैं वो सारे तो रियासत पाकिस्तान में मिल रहे हैं औरतों को अगर किसी घर के अंदर कोई शख्स कोई ख़ानदान ने अपने तौर पर एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि जी ये खावतीन जो है आगे नहीं पढ़ सकती या जॉब नहीं कर सकती तो वो उस फैमिली तक महदूद है इसमें रियासत का कोई कसूर नहीं है रियासत ने आपको मुकम्मल आज़ादी दी हुई है इसमें इस्लाम का को कोई कसूर नहीं इस्लाम ने आपको आज़ादी दी हुई है कि हदूद के अंदर रहकर आप जो काम कर सकते हैं, सारे करें मैं आपको बताऊं देखिए क्लास नाइन में ही जब हम इंग्लिश पढ़ा रहे होते थे अभी तो किताब चेंज हो गई उसमें मैंने खुद पढ़ा है कि नबी अक्रम सल्हस ने मदीने में जब सबसे पहला हॉस्पिटल कायम किया तो वहाँ नर्स को हज़रत रुफैदा रज़ील् तै को बताओ नर्स वहाँ मुकर किया और हज़रत फ़ातमत जहरा रजी ला तक को यह फरमाया कि आप हज़रत रुैदा की जो है वो वहाँ जाकर असटेंसी करें उनकी मदद करें तो आ, इस्लाम ने आपको ये हकूक दिए हैं कि आप जाएं और जाकर ये काम करें आप जॉब करें और जो जॉब जो शरीयत से मतसादिम ना हो वो आप कर सकते हैं सारे तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि सबसे पहले ये बताएं कि जब हम ये जो वुमेन्स राइट का बहुत शोर होता है सबसे पहले तो ये बताएं ना कि जी कौन से ऐसे हकूक हैं जो सल्ब कर दिए गए हैं जो दिए नहीं जा रहे हैं तो फिर उस पर शोर करे ना ये औरत यह भी कहती है कि उसके जब मतलब अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद होती है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है देखिए अगर आप जायज हकूक की बात करेंगे तो जितने भी हमारे यहाँ जी शूर तबका है वो आपकी आवाज़ को नहीं दबाएंगे ना वो आपके आवा हम आवाज़ बनेंगे वो आपके आवाज़ पे आवाज मिलाएंगे आपके आवाज़ को उठाएंगे लेकिन यहाँ पे हमारे माशे में तो कितनी ऐसी चीजें हैं या कितनी ऐसी बातें हैं जो दबा दी जाती हैं और मतलब वो किसी बस फाइलों में चली जाती है वो फिर वो नजर नहीं आती हैं देखिए दुनिया के हर एक मुल्क में हर एक माशरे के अंदर सही और गलत लोग मौजूद होते हैं वो लोगों का अपना फेल होता है ठीक है अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बात की आपको कि जी कोई फैमिली है अब वो ये फैमिली ये कर रही है कि जी आपको तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दे रही है या आपको जॉब करने की इजाज़त नहीं दे रही है तो वहाँ वो अपने घर पे आवाज़ उठाती है कि जी मुझे तालीम हासिल करने दें मुझे जो है वो जॉब करने की इजाजत दें तो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ तो शायद वो भी तैयार हो जाए ठीक है लेकिन अगर वो कोई ऐसी डिमांड कर रही है जो माशरे के लिए नाकबिल कबूल है तो उसको जाहिर सी बात है वो फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी माशरे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर देखें उनको भी समझना चाहिए जो लोग हकूक की बात कर रहे हैं अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किस बात के लिए जो है वो हकूक मांग रहे हैं अभी मैंने जो है वो टेलीविजन पे देखा औरत मार्श हो रही थी ठीक है उसमें मैंने बैनर्स तरह के पढ़े हाँ। जी आ, कपड़े नहीं धोऊंगी और जी मैं खाना नहीं बनाऊंगी अच्छा मुझे बताएं तो फिर शादी भी ना करें बिल्कुल आपको नहीं, नहीं करने पड़ेंगे जायज की तो बात पड़ेगा लेकिन हाँ, की बात है ना? नहीं तो आपके जो जायज हकूक हैं वो तो मैसर हैं हाँ। अगर जायज़ हकूक मयसर ना हो तो फिर आप हकूक की बात करें लेकिन अगर जायज़ हकूक मैसर हैं तो फिर अब कौन से हकूक वो हकूक भी तो बताए ना कि ये हकूक चाहे ठीक है आप जब बताएंगे कि जी ये हकूक चाहिए तो फिर उन पर डिबेट होगा ना कि जी ये हकूक की डिमांड है ये हकूक मांगे जा रहे हैं तो इसको कैसे पूरा किया जाए या मेरे ख्याल से औरत के बोलने से पहले उसके हकूक पूरे कर दिए जाए तो उसको बोलने की नौबत ही ना आए एग्जैक्टली एग्जैक्टली देखिए हकूक तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ आपको सारे मैसर हैं ठीक है अगर फिर भी अगर माशरे को या कुछ लोगों को लगता है कि जी हकूक मुकम्मल तौर तो पर तो मैसर नहीं है तो वो पॉइंट आउट करें वो बताएं कि ये हकूक माशरे में हमें हासिल नहीं है तो फिर माशरे में जो फिर हैं दानशवर हैं वो उनका हम आवाज़ बनेंगे उनकी हम आवाज़ बनेंगे उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करेंगे ठीक है उनके लिए आवाज़ उठाएंगे लेकिन सिर्फ हम सिर्फ ये कहेंगे कि जी औरतों को हकूक दो औरतों को हकूक दो और, तो और, तो और पता ही नहीं कि क्या हकूक दो तो क्या देंगे बिल्कुल क्या आपको उन्होंने सांस लेने से रोका हुआ है क्या उन्होंने आपको तालीम हासिल करने से रोका हुआ है क्या वो अगर बीमार पड़ जाते हैं तो आपको दवाइयाँ नहीं मिल सकती मतलब क्या ऐसी चीज़ें जो रोक दिए जो आपको मैसर नहीं है देखिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम एक अलग चीज है घरेलू मसाइल एक अलग hmm. चीज है मियाँ बीवी के अंदर अख्तिलाफ होना एक अलग चीज है सास बहू के अंदर अख्तिलाफ़ होना एक अलग चीज है hmm. नंद और भाभी के दरमियान अख्तिलाफ़ होना एक अलग चीज है लेकिन उसको आप नहीं जोड़ सकते औरतों के हकूक के साथ ठीक hmm. है तो हम अगर ये छोटी मोटी चीजों को हम ये बना लेंगे कि जी ये जो है ना एक आ, 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 औरतों के हकूक से रिलेटेड बातें नहीं वो एक डोमेस्टिकल मैटर है वो एक अलग चीज़ है वो उसको उसी लेवल पर सॉल्व किया जाता है शेर साहब आपसे गुफ्तु करके बहुत अच्छा लगा यकीन हमारे नाजीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे फिर गुफ्तु करेंगे नाजीन हमारे प्रोग्राम का वह ख़त्म हो गया है मुझे अपनी मेज़बान सना नूर को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़